प्रभु श्री राम के अपने मंदिर में विराजमान होने की घड़ी को हर कोई उत्सव की मना रहा है। हर एक श्रद्धालु इसमें डुबकी लगाना चाहता है। हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी मौजूद हैं। सर, एक मुझे लगता है कि दिव्य और एक भव्य अवसर है, क्योंकि प्रभु श्री राम के गाने भी हमने आपके कंठ से बहुत सुने हैं। ये अवसर ऐसा है, ऐतिहासिक है, इसको जो आके महसूस कर ले, देख ले, उसका जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और इस प्राण प्रतिष्ठा में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रित किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम पहले क्यों नहीं हुआ, ऐसी कौन सी कमी थी इसके पहले लोगों में कि ये नहीं हुआ। हम शायद उस अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आए और ये काम पूरा कर दे, तो उस अवतार का नाम है नरेंद्र मोदी जी। आए, आके ना जाने क्या क्या कर दिया, जो सपने थे वो सारे पूरे कर दिए। देखिए, उज्जैन कितना अच्छा हो गया है, काशी कितना अच्छा हो गया है, और अयोध्या तो सब देख ही रहे हैं, और अब मथुरा की बारी है। मथुरा वृंदावन भी इतना सुंदर बन जाएगा। इस व्यक्ति ने जो एक वरदान है, केवल प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने आकर हम सब पे बहुत बड़ी कृपा की है कि इस देश को एक विश्व गुरु बना दिया है। आपने कहा कि पता नहीं पहले क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब जब हो गया है तो भी आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करना, प्रभु श्री राम के कार्यक्रम को राजनीतिक इवेंट तक बता देना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। राजनीति से कहीं से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सब अपने भगवान के लिए भवन नहीं बनाते हैं क्या? अपने लिए बनाते हैं, और अगर बनाया है तो उसका क्रेडिट भी लेंगे। दिक्कत क्यों हो रही है विपक्ष को? वो लोग बना लेते, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? मंशा ही नहीं थी बनाने की, इच्छा ही नहीं थी। ये सुंदर काम है, इसको सुंदर लोग ही करेंगे, तो सुंदर लोगों ने कर दिया। बिल्कुल। मैंने तो आपको कई बार बचपन से, मुझे लगता है, आपको सर गाना गाते हुए देखता हुआ चला आ रहा हूँ, और जिस तरीके से आप गाने के साथ साथ अब अभिनय भी कर रहे हैं, आपकी मैं दर्शकों को बता दूं, अब इनकी एक मूवी भी आ रही है, हिंदुत्व है। क्या है ये हिंदुत्व? हिंदुत्व एक फिल्म है जो लोगों को ये बताती है कि हिंदुत्व है क्या। हमारे यहाँ कुछ विशेषताएं हैं इस सनातनी धर्म में कि हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ का आदर तो करते हैं। हम अपने धर्म की पूजा करते हैं, दूसरे के धर्म का आदर तो करते हैं। यही हिंदुत्व फिल्म बताती है कि हमें सबको मिलजुल के प्यार से रहना है। यदि हम ये कर सकते हैं तो सब कुछ सफल है, नहीं तो कोई लाभ नहीं करने का। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं, और अगर साथ में वो मौजूद हों और गाने की कुछ लाइनें ना हो तो ये इंटरव्यू जो है वो पूरा अधूरा है। चाहेंगे कुछ प्रभु श्री राम को लेकर आप गुनगुना देंगे तो हमारे श्रद्धालु भी जो है वो मोहित हो जाएंगे। जरूर सुनिए। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। सर, प्रभु श्री राम का जिस तरीके से दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, ऐतिहासिक है, उस पर भी क्या कुछ आपने लिखा है, उसकी दिव्यता पर, उसकी खूबसूरती पर, इस क्षण पर? देखिए, मंदिर बहुत दिव्य है और बन चुका है। अब मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग अब अपने मन के अंदर मंदिर बनाइए, अपने घर में अयोध्या बनाइए। उसकी दो पंक्तियां हैं, हृदय बना लो भक्तों अयोध्या धाम रे, हृदय बना लो भक्तों अयोध्या धाम रे, आके बसेंगे इसमें सीता राम रे,
आके बसेंगे इसमें सीताराम रे। दो भजन आपने हमारे श्रद्धालुओं के लिए, दर्शकों के लिए गाओ, जब आपके साथ बैठे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता हूँ, ऐसी लागी लगन अगर हो जाए तो मुझे लगता है यहाँ सब बैठे जो हैं वो खुश हो जाएंगे। सुने, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी रूहानी आवाज से, अपनी मखमली अंदाज से आप सभी को बताया। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।